सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल गेमिंग में। तो आई होप सब बढ़िया ही होंगे मेरी तरह। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियोस का वेट कर रहे थे गेमिंग चैनल में। मैंने टाइम से वीडियोस डाल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ सबको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो उस वजह से। तो जिसने मेरा व्लॉग नहीं देखा है वो मेरा व्लॉग देख सकता है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने बताया कि मैं क्यों नहीं वीडियोस डाल पाया था। तो फटाफट से जो है वो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, तो हम जो है पॉकेट एडिशन गेम खेलते हैं, मतलब फ़ोन में ही खेलते हैं क्योंकि हमारे पास लैपी तो है नहीं, तो हम फ़ोन में ही खेल सकते हैं इसको। तो पिछली बार आप लोगों को बताया कि मैंने एंडर ड्रैगन को जो है वो बुरी तरह मज़ा चखाया था मार करके। तो अभी हम दोबारा से उसकी जगह जा रहे हैं जहाँ वो रहता है। तो अभी देखना, यहाँ पे एंडर ड्रैगन नहीं मिलेगा क्योंकि उसको जो है हमने ख़त्म कर दिया था बुरी तरह मार के। और अब यहाँ पे बस यही बचा हुआ है खाली उसकी जगह। अब हम यहाँ से वापस जा सकते हैं दूसरी जगह को, मतलब अपनी जगह को वापस से। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें कि हमारे जो कुछ मित्र हैं, मतलब हमारे दोस्त जो हैं, जैसे ये है हमारा दोस्त रिकी, हाय रिकी, हेलो व्हाट्सअप ब्रो, और ये विक्की, हे ब्रो विक्की। तो ये जो है हमारी हेल्प करेंगे एक घर बनाने में, मतलब घर तो हमने बना दिया हुआ है बट एक स्कूल टाइप बनाएंगे हम एक बढ़िया सा, ताकि ऐसा लगे कि वहाँ बच्चे पढ़ने आ सके। तो ये हमारा स्कूल बन रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे भी स्कूल का। तो स्कूल का काम जो है अभी लगा हुआ है, स्कूल का या घर का काम अभी फ़िलहाल मैंने पक्का किया नहीं है कि इसको घर बनाया जाएगा या स्कूल, क्योंकि स्कूल जो है हम दूसरी साइड भी बना सकते हैं बट ये हम घर भी बना सकते हैं इसको। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम जो है वो इसकी दूसरी जगह में विलेजर्स को, नए नए विलेजर्स को लाते हैं ताकि हमारा जो है ये सब जगह हरी भरी लगे। तो यहाँ पे जो अब ये पूरा का पूरा काम है इसको बनाने का। तो यहाँ पे अभी ये पूरी जगह हमें कवर करनी है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक घर है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, बस एक ही आदमी रहता है नीचे, और इस तरफ भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भी अभी हमें घर वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो अभी मैंने क्रिएटिव मूड ऑन किया हुआ, उस वजह से मैं उड़ भी पा रहा हूँ इस गेम में। तो यहाँ पे इतना कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह है मेरे पास में। तो ये जगह अभी हमें पूरी करनी है, मतलब फुल भरना है इसको, और उसके बाद पॉकेट एडिशन में हमें इस गेम को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है, ताकि हमारी गेम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और हमारा घर सबसे अलग लगे। तो देखो आप लोग, जहाँ तक हम जा रहे हैं ना वहाँ तक ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा घर है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन की तो कमी नहीं है हमारे पास, ज़मीन ही ज़मीन पड़ी है। बस अब हम जो है विलेजर्स को बुलाते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे अब हम घर वगैरह बनाएंगे ताकि विलेजर्स वहाँ पे रह सकें। फ़िलहाल के लिए 2-3 विलेजर्स को जो है वो दूसरे घर में बुलाते हैं जहाँ हम दूसरी जगह रहते हैं वहाँ पर। तो ये सामने जो है ये हमारा घर है, तो लग रहा है ना सही, दूर से देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ये, वाह यार। यहाँ पे जो है विलेजर्स को बुला लेते हैं। काफ़ी टाइम लगा है मेरे को इसको बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम, बट मैंने बीच में बंद कर दी थी खेलना क्योंकि मैं खेल नहीं पा रहा था इतने ज़्यादा दिन से। तो मैं व्लॉग्स में डाला है मैं क्यों नहीं खेल रहा था, जिसने नहीं देखा है मैं दोबारा बोलता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो फटाफट से जो है विलेजर्स को बुलाते हैं यहाँ पर। तो कहाँ है विलेजर्स का अंडा, आई ऑफ एंडर है ना, तो यहाँ पे जो है हमें विलेजर्स का एक अंडा ढूंढना पड़ेगा जिससे विलेजर्स आएंगे, वरना अगर अंडा नहीं होगा तो विलेजर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंडा ये है एग, बट विलेजर्स का अंडा कहाँ गया, मैंने इतने ज़्यादा दिन से खेल ही नहीं है तो मैं भूल गया हूँ कि विलेजर्स का अंडा कौन सा होता है। अगर डेली खेलते रहे ना तो आदत पड़ जाती है, और बहुत ज़्यादा कम दिन बाद खेले ना तो फिर आदत भूल जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि विलेजर्स का अंडा कौन सा है। शिट, हमें विलेजर्स के अंडे मिल चुके थे यहाँ पर, अब पता नहीं है कौन सा है, ये हो सकता है शायद, नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो जॉम्बीज है, नहीं ये भी नहीं, 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 एंडरमैन, चलो आ जाओ एक एंडरमैन को भी बुला लेते हैं हम। और क्या, और क्या, ये क्या है, नहीं ये भी नहीं, 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 हाँ ये है गार्डियन। तो इससे जो है वो आ सकते हैं मुझे लगता है, जिन्हें मुझे याद है, नहीं यार ये नहीं है, ये नहीं है, शिट इसको मारना पड़ेगा, इतने ज़्यादा दिन बाद खेल रहे हैं ना हम, तो हमें पता ही नहीं है कि माइनक्राफ्ट को खेले कैसे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया इसको खेले। तो पहले तो इसको मार देते हैं बुरी तरह से, वरना नुकसान करता है बहुत ही ज़्यादा, मैंने सुना है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नुकसान कर देता है घर के।
इसको फटाफट मार देते हैं पहले। तो ये ख़त्म कर दिया हमने। और यहाँ पर जो है वो हमने एक और अंडा मंगवाया हुआ था, तो इसे देखते हैं इससे क्या आता है। बट ये भी एक ख़तरनाक है। और शिट, ये गायब कहाँ हो गया एकदम से? अभी तो यहाँ पर था ये, एकदम ये गायब हो गया, पता नहीं कहाँ को गायब हो गया है। तो हमें जो है वो अंडा नहीं मिल रहा है जिससे हम विलेजर्स को बुला सकते हैं, बट हमें कुछ भी करके वो ढूंढना ही पड़ेगा, हमें ढूंढना ही पड़ेगा वो अंडा। यहाँ पे कहाँ गए? ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पांडा नहीं, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। ये होता है अगर बहुत ज़्यादा दिन बाद खेले ना तो यही हाल होता है। बट अब से जो है वो रेगुलर वीडियोस आया करेगी, मतलब मैं रेगुलर खेला करूँगा इसको। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाओगे ना तो आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरी। और इसका जो है हम टाइमिंग फिक्स करेंगे एक, और उतने बजे डाला करेंगे हम वीडियोज़ को गेमिंग चैनल पर, जैसे मैं दूसरे पर डालता हूँ व्लॉगिंग पे। तो मुझे लगता है इधर से शायद निकलेंगे, बट यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा निकला है कुछ, बट ये नहीं है, इसको भी हम मार देते हैं। मारो 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 मारो, शिट शिट शिट, मारो 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 मारो, इसको मारो, ख़त्म कर दो इसको, ख़त्म ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये मर ही नहीं रहा है, देखो जितना जितना ज़्यादा बड़ा ना है उतना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, मर ही नहीं रहा है। हमने इतनी देर से इसको कोशिश कर रहा है ना मारने की, बट ये मर ही नहीं रहा है। बट अब तो ये मर ही जाएगा, मर जा मर जा मर जा, अभी भी नहीं मर रहा है। मर जा 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 भाई मेरे, मर जा यार, मर जा प्लीज़, इज्जत की शुक्र है मर गया। तो अब रात भी होने वाली है, तो रात होने से पहले हमें एग ढूंढना पड़ेगा, और वो एग हमें मिल ही नहीं रहा है जो हम ढूंढना चाहते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं मिला, मैंने सब जगह लाइट्स लगा दी है ताकि रात को मेरे विलेजर्स को कोई परेशानी ना हो कहीं जाने की, अगर बाहर भी जाना हो उन्होंने रात के टाइम तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सब जगह लाइट्स लगा के रखी हुई है। अब यहाँ पे कहाँ हो सकता है यार, जॉम्बी नहीं, मुझे लगता है मे बी यहाँ से आ सकते हैं। देखा, ढूंढ लिया ना, फाइनली हमने ढूंढ लिया है जहाँ से विलेजर्स आ रहे हैं हमारे। तो तीन चार विलेजर्स को बुला लेते हैं यहाँ पे, और उनको रहने के लिए जगह भी दे देंगे हम। बहुत ज़्यादा घर है वैसे, घर की कमी नहीं है हमारे पास में, घर तो हमने विलेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, जहाँ वो रहना चाहते हैं ना वहाँ वो रह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा बेड हैं, एक दो बेड हम और लगा देते हैं अंदर ताकि विलेजर्स को कोई परेशानी ना हो रात को सोने में। तो मुझे लगता है आते तो सो ही गए होंगे, ये क्या हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि बहुत ज़्यादा आधे तो सो ही गए अंदर। तो आधों के लिए मैं बाहर भी लगा सकता हूँ बेड पर, अंदर जो मज़ा है ना सोने का वो बाहर थोड़ी है, बट आधों के लिए बाहर लगा देता हूँ, क्योंकि बारिश वाला मौसम तो है नहीं है, मौसम भी साफ़ है, बादल थोड़े थोड़े ही हैं। तो जिसने बाहर सोना है वो बाहर सो सकता है, जिसने अंदर सोना है तो वो अंदर सो सकता है। तो बेड यहाँ पर कहाँ पर लगाएँ हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पहले इसको तोड़ देते हैं जो यहाँ पर है, पता नहीं क्या लगाया हुआ हमने, इसको पहले पूरी तरह से तोड़ देते हैं ना। ये हमने शायद एंडर ड्रैगन को मारने के लिए लगाया था, बट हमें पता नहीं था इसको कैसे निकालेंगे। और एक हमारा विलेजर जो है वो इसके अंदर चला गया है, मतलब चल निकल जा बाहर, रुक जाए, इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फाइनली ये बाहर निकल गया है, अब यहाँ पे जो है इसको हम पूरा कवर कर देते हैं इसके साथ, ताकि कोई विलेजर इसके अंदर फंस ना पाए। तो हम इन सब जगह को कवर कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है विलेजर्स के लिए हमने बेड भी रखा है, तो पहले जा कर के यहाँ पे बेड ढूंढते हैं। ये बेड है यहाँ पे, तो कौन सा कलर का सही रहेगा, बेड तो सारे सही हैं बट मुझे मिल नहीं रहा है कौन सा कलर का चाहिए। यहाँ पे ब्लू कलर का ले लेते हैं। सो ये वाले बेड जो है यहाँ पे बिछा लेते हैं ताकि विलेजर्स यहाँ पर सो पाएँ आराम से। तो यहाँ पे देखो आप लोग, रात को भूत भी आ गए हैं, और इनको मारने के लिए जो है हम लोग तैयार हैं ताकि हमारे विलेजर्स को कुछ ना हो। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें कुछ सेफ्टी के लिए कुछ लगाना ही पड़ेगा यार, ताकि कोई यहाँ पे आ ना सके। तो यहाँ पे लगा देते हैं बेड अंदर, क्योंकि विलेजर्स यहाँ पे भी आ सकते हैं ना, बट यहाँ पे अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है मैंने यार, इतना ज़्यादा बड़ा गधा होना मैंने जगह ही नहीं छोड़ी है विलेजर्स के लिए। तो पहले बेड लगा देते हैं, फिर जगह बनाते हैं, खुद ही बना लेंगे हम जगह। पहले बेड लगा देते हैं विलेजर्स के लिए यहाँ पे, दो तीन चार, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, मतलब थोड़े बहुत ही लगाएंगे, इतने इतने से ठीक है।
दो यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर दो यहाँ पे लगा लेते हैं और एक यहाँ पे लगा लेते हैं। बस बहुत है इतने ज़्यादा बैट। और विलेजर्स को बुला लेते हैं थोड़े से यहाँ पे, तो 6-7 विलेजर्स को बुला लेते हैं। और अब लाइट्स वगैरह भी रखनी है यहाँ पर, क्योंकि लाइट तो ज़रूरी है ना, तो ये वाली लाइट ले लेते हैं और इसको लगाते हैं यहाँ पे, और इसको लगाते हैं यहाँ पर, और लाइट्स लगाते हैं यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरे विलेजर्स को। तो दरवाज़ा है यहाँ पे, मैं सोच रहा था मैंने दरवाज़ा नहीं लगाया, बट यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा लगाया हुआ है, वो देखो सामने। बट विलेजर्स को पता नहीं लगेगा कि कहाँ से आना है, तो हम उनके लिए एक और दरवाज़ा बनाएंगे यहाँ पे। तो आधे विलेजर्स तो मेरे को लगता है सो गए हैं, और आधे सो गए हैं, और आधे मेरी तरह पागल हैं जो अभी भी उठे हुए हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं एक दरवाज़ा जहाँ पे ये विलेजर खड़ा है दूसरा वाला। तो अब से इसका नेम रखेंगे हम ऋतिक, क्योंकि ये अकेला अकेला घूम रहा है ना यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे जो है वो जो कुछ जगह बना देते हैं विलेजर्स के लिए आने जाने के लिए, तो यहाँ से, ताकि दरवाज़ा खोलने में उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से आ सकें वो लोग। फोर्थ, और एक यहाँ पे लगा लेते हैं, और एक यहाँ पे, और बस, और एक दरवाज़ा लगा देंगे अब यहाँ पे इसको तोड़ करके। वेट, तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को यही बताना था कि हम लोग विलेजर्स को कैसे बुला सकते हैं इस गेम में। जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ना कि पहले यहाँ पे जाना है, उसके बाद एग चूज़ करना है विलेजर्स का, और उसके बाद फिर विलेजर्स को यहाँ पे हम बुला सकते हैं। तो पहले तो फटाफट से यहाँ पे दरवाजे लगा देते हैं, कौन सा सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा। तो इसको जो है यहाँ पे लगा देते हैं हम दो दरवाजे, एक ये एक ये, और ऊपर जो है वो थोड़ा सा खाली रह गया यार, इसको थोड़ा भर देते हैं इसके साथ में, और अब चलते हैं इसको खोल करके। खुल जा सिम सिम। और ये खुल नहीं रहा है दरवाज़ा, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। अरे दरवाज़ा मेरे को लगता है मैंने कुछ उल्टा सा लगा दिया है शायद, जिस वजह से खुल ही नहीं पा रहा है। तो हम जो है और दरवाज़ा लगाते हैं, ज़रा और लगाने की कोशिश करते हैं। ये दरवाज़ा यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है मुझे लगता है। तो और कौन सा सही रहेगा, और कौन सा सही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्रिएटिव मूड में ही खेल रहे हैं, क्योंकि पॉकेट एडिशन है ना, तो आप लोगों को दिखाने के लिए, और मुझे खुद को खेलने नहीं आती है अभी इतनी ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत तो आई जाती है बट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो यहाँ पे डोर हमें मिल नहीं रही है, डोर मिल जा सिम सिम। सो ये भी डोर नहीं है, नहीं है डोर, मुझे लगा था हमें डोर मिल जाएगी बट नहीं मिली है। तो फाइनली हमें डोर मिल चुकी है, ये वाली ब्लैक वाली, तो इसको लगाते हैं अब। मे बी ये खुल जाए फिर, हाँ ये खुल जाएगी, फिट यहाँ पे लगाते हैं इसको, खुल गई। तो ये वाली डोर जो है वो खुल जाएगी, अब पुरानी नहीं खुली थी। तो यहाँ पे जो है मेरे मैक्सिमम विलेजर तो सो ही गए हैं, बट आधे आधे उठे हुए हैं। तो बस आप लोगों को आज की वीडियो में यही दिखाना था मैंने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं भी सो जाता हूँ फटाफट इनके साथ में यहाँ पे आज, या अपने घर में जा करके सोते हैं पहले, तो बहुत दिन हो गए अपने घर गए हुए। चलो अपने घर चलते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग माइनक्राफ्ट की और ज़्यादा सीरीज चाहते हो तो मैं कल से माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करेंगे हम, यहाँ पे बहुत कुछ बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। पॉकेट एडिशन जिस जिसके पास है वो उसको खेलने में मदद मिले, जैसे मेरे से देखने से, ताकि क्या किया जाए। वैसे मैं इतना ज़्यादा प्रो तो हूँ नहीं, बट तो भी। तो ये मेरा रूम है यहाँ पे, जहाँ मैंने अपने सब कुछ बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है मेरा किचन भी था। अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया है हुए, अब पता भी नहीं किचन कहाँ गया है मेरा। और ये मेरा बेडरूम है, और ये है मेरा किचन यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने केक रखे हुए हैं खाने के लिए, इनको खा लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरा चूल्हा वगैरह जल रहा है, खाना बनाने का काम यहाँ पे होता है। तो फिलहाल के लिए मैं भी अपने बेडरूम में सो जाता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं आप लोगों को न्यू वीडियो में।